नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशंस के सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा है, इसमें सेलेक्ट होने के लिए चार प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला प्रोसेस है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, जो 250 मार्क्स का होता है, जो पूर्णतया ऑब्जेक्टिव्स होता है, बहुविकल्पी होता है। अब इसी रिटेन एग्जामिनेशन में दूसरा पेपर होता है पेपर टू जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंसन का, जो 200 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा जो चरण है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। रिटेन एग्जामिनेशन क्लियर करने के पश्चात फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से 16 सेकंड में आपको 100 मीटर रेस लगानी होती है, 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर रेस लगानी होती है, और 3.5 मीटर लॉन्ग जंप आपको लगानी होती है, और जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, और 60 फुट आपको 4.5 मीटर का करना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस के तीसरे चरण में पहला चरण होता है रिटन एग्जामिनेशन का, उसको क्रैक करने के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो दूसरा चरण होता है। इसके तत्पश्चात फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपको तीसरे चरण में बुलाया जाएगा, जो होता है सबसे अहम फेज होता है, प्रोसेस होता है, जिसको बोला जाता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जो 150 मार्क्स का होता है। सबसे अहम जो फेज होता है, चौथा फेज होता है, जिसको बोला जाता है फाइनल सिलेक्शन, जो मेरिट के आधार पर होता है। आपका प्रोसेस वन, प्रोसेस टू और प्रोसेस थ्री का मिला के जो मेरिट आपकी बनती है, वो चौथा प्रोसेस होता है, जिसको फाइनल सिलेक्शन या मेरिट बोलते हैं। इसमें आप सेलेक्ट होने के बाद पूर्णतया सीएपीएफ में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में चयनित हो जाते हैं। रिटन पेपर्स के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि रिटर्न जो एग्जामिनेशंस होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, जो 250 मार्क्स का आता है। इसके अंतर्गत जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर होते हैं। इसके तत्पश्चात पेपर टू आता है, जिसमें जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंसन होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें इसका जो पार्ट ए होता है वो एसे होता है, जो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है। इसका जो पार्ट बी है वो कॉम्प्रिहेंसन है, प्रेसी राइटिंग है, काउंटर आर्गूमेंट है, सिंपल ग्रामर है, जो 120 मार्क्स का है। कुल मिलाकर इस सिलेबस के अंतर्गत पेपर वन और पेपर टू को कवर करने के बाद आप रिटेन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। उसके तत्पश्चात आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तत्पश्चात आपका मेरिट बनाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक कीजिए, और आप मुझे